अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं।
ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान वो अमृत है जिसे जब आत्मा बुद्धि में धारण करती है तो अमर बन जाती है, देह भान टूट जाता है, मैं और मेरापन छूट जाता है, आत्मा स्वतंत्र बन जाती है, शक्तिशाली बन जाती है, सर्वसमर्थ बन जाती है, असंभव संभव होने लगता है, हर संकल्प सिद्ध होने लगता है। परंतु आधार है ईश्वरीय ज्ञान, परमात्म श्रीमत, उस सुप्रीम रचयिता के डायरेक्शंस, परमात्मा के फरमान, परमात्मा का ये अद्भुत ज्ञान। तो जितना हम इस पढ़ाई को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर धारण करते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, मुरली की धुन में सुदबुद खोने लगते हैं, उतना ये पढ़ाई हमें जीवदान देती जाती है, हमारा भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाती जाती है। तो आज की मुरली हमें ईश्वरीय ज्ञान का महत्व बता रही है, रूहानी पढ़ाई का महत्व बता रही है। आज है 3 तारीख 3 जून 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। एक है प्यार से याद करना, दूसरा है रुचि से याद करना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, तो फिर जैसे ही टाइम मिलता है ना, वो इंटरेस्टिंग काम करने लगते हैं, रह नहीं पाते क्योंकि इंटरेस्ट है, अंदर से ट्रस्ट है। याद से ही तुम सतु प्रधान बनेंगे। प्रश्न है, किसी की बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। बंद है ना बुद्धि, गोदरेज का ताला लगा है सबकी बुद्धि पर, तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे जब एक बात पर ध्यान देंगे। कौन सी है वो बात? उत्तर है पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए, कभी भी। जहां तक जीना है वहां तक अमृत पीना है, पढ़ाई में अटेंशन देना है, एब्सेंट नहीं होना है, यहां वहां से भी ढूंढकर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। तो अभी यहां वहां से ढूंढने की भी जरूरत नहीं होती, सबके पास मुरली है, तो इसलिए रेगुलर पढ़नी है। ओम शांति। शिव भगवान वाच सालीग्रामो प्रति। सभी सालीग्राम बैठे हैं सोल कॉन्शियस होकर। यह तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, यह भी तुम जानते हो और कोई भी जान ना सके। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पढ़ने ही हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना कि ब्राह्मण यज्ञ रचते थे, फिर असुर विघ्न डालते थे, तो ये तो होना है। बाप समझाते हैं, इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह सब स्वाहा हो जाना है। इस यज्ञ में
स्वाहा हो जाना है। फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। जो चीज़ खत्म होने वाली है उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह है वीशियस और वाइसलेस का संगम। संगम युग है, एक तरफ वीशियस दुनिया है, एक तरफ वाइसलेस दुनिया है, और यह है संगम। वीशियस से वाइसलेस बन रहे हैं ना, विकारी से निर्विकारी बन रहे हैं। जबकि चेंज होनी है। नई दुनिया को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, यह तो बच्चे जानते हैं। पॉइंट्स समझने की है। बाप रात दिन कहते रहते हैं, क्या बच्चे तुमको गुहे ते गुहे बातें सुनाता हूँ। जहाँ तक बाप है पढ़ाई चलनी ही है, फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो फिर बाप दादा ही जानते हैं। कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है। ऐसे नहीं सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं। पवित्र नहीं रहते तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। कपड़ा साफ नहीं होता तो सटके मारते हैं ना, सजाएं खाते हैं। फिर माला के दाने ही पास विद ऑनर्स होते हैं, फिर प्रजा भी बनती है। यह बहुत समझने की बातें हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो वह समझ थोड़ी सकते हैं, टाइम लगता है। सो भी जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम नहीं। रिपोर्ट्स आदि जो आती हैं उनको बाप ही जानते हैं। फलाना विकार में गिरा, यह हुआ, नाम तो नहीं बता सकते। नाम बताएं तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे। सारी की कमाई चट हो जाती है। यह तो जिसने धक्का खाया वह जाने, और या तो वो जाने जिसने धक्का खाया या बाप जाने। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। ये सब चीज़ें बहुत गुप्त हैं, कोई सामने नहीं की जाती। बाबा जानता है और बच्चे जानते हैं जो करते हैं। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, वह सेवा में मदद कर सकते हैं। परंतु वह भी जब सम्मुख हो ना, समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वह थोड़े ही किसको समझा सकेंगे। गवर्नर किसी को बैठकर ज्ञान थोड़ा ना समझा सकेंगे। देहाभिमान तो बहुत होता है ना, फिर प्रोटोकॉल्स भी होते हैं कई उनके। कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं। जिसको समझने का होगा वही समझेगा, दूसरे को थोड़ी समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि यह तो कांटों का जंगल है, इसको हम मंगल बनाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना, यह श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब होता है जब, इसका अर्थ बता रहे मंगलम भगवान विष्णु का, मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है।
विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं, नाटक दिखाते हैं, छोटी सी मूवीज फिल्म्स बनाते हैं। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, अनुभवी है ना ब्रह्मा बाबा, सभी धर्म वालों को अच्छी तरह जानते हैं। बाप जिस तन में आएंगे, शिव बाबा जिस तन में आएंगे तो उसकी पर्सनालिटी भी चाहिए ना, ऐसे वैसे के तन में थोड़ी ना आएंगे, कुछ खास होना चाहिए ना। तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है इस दुनिया का, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, वह भी साधारण पर्सनालिटी का। यह मतलब नहीं कि राजा रजवाड़ा हो, साधारण पर्सनालिटी, कोई राजा रजवाड़ा नहीं, नहीं, इनको तो बहुत अनुभव है। इनके रथ में आता हूँ बहुत जन्मों के अंत में। तो ब्रह्मा बाबा को हर बात का बहुत अनुभव था, लौकिक का भी अनुभव था और बिजनेस का भी अनुभव था, भक्ति का भी बहुत अनुभव था। तुमको समझाना पड़े, यह राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है। यह राजधानी कैसे स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई क्या बनते हैं, यह सब बातें एक ही दिन में तो कोई समझ नहीं सकता। बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं, भगवान आकर समझाते हैं, सुबह मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं। खुद भगवान आकर समझाते हैं फिर भी थोड़े पवित्र बनते हैं। यह भी समझने में टाइम चाहिए, बुद्धि में ना फिट नहीं बैठता कि भगवान आकर समझाते हैं, कितनी सजाएं खाते हैं, सजाएं खाकर भी प्रजा बनते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा भी बनना है, पवित्र भी बनना है, मीठा भी बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। बाप आते ही हैं सबको सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने। तो फिर खुद किसको कैसे दुख देंगे, यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, बाहर वाले बड़ा मुश्किल समझते हैं। जो भी संबंधी आदि हैं उन सब से ममत्व तोड़ देना है, घर में रहना है परंतु निमित्त मात्र। यह तो बुद्धि में है कि यह सारी दुनिया खत्म हो जानी है, परंतु यह ख्यालात भी किसको रहता नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं वह समझते हैं, वह भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है, क्यों फेल हो जाते हैं, माया की चक्री चलती है ना। वह भी बड़ी बलवान है, परंतु यह बातें और कोई को थोड़ी समझा सकते, किसी को समझ में नहीं आएंगी। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं यहाँ क्या होता है, इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती है। अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है, तो फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े। जो पूछते हैं, कुछ गवर्नमेंट के लोग आते हैं पूछते हैं बातें, तो बाबा कहते हैं कि एक एक को बैठकर बताना पड़ता है, क्योंकि फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, है ना, अलग अलग ऑफिसर्स बदलते रहते हैं, तो हर एक को बताना पड़ता है। फिर कहते यह तो बड़ी अच्छी संस्था है, राजधानी के स्थापना की बातें बड़ी गुह्य गोपनीय है, कैसे बन रही है ये राजधानी,
ये बहुत ही गुप्त गोपनीय बातें हैं, क्योंकि स्थापना अंदर हो रही है, परिवर्तन आत्मा के अंदर हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर से कुछ नहीं दिखता। ये सारा परिवर्तन, ये समझने की बातें मन की हैं, बुद्धि की हैं, संस्कारों की हैं, जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप बच्चों को मिला है, तो कितना हर्षित होना चाहिए। हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं, तो हमारे में दैवी गुण भी जरूर चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना। यह है नई दुनिया के मालिक, यह तुम ही समझते हो। बाकी दुनिया ऐसे नहीं समझती कि ये नई दुनिया के मालिक हैं। हम पढ़ते हैं बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, वह हमको पढ़ाते हैं अमरपुरी अथवा हेवन में ले जाने के लिए हमको यह नॉलेज मिलती है। आएंगे वही जिन्होंने कल्प कल्प राज्य लिया है, कल्प पहले मुआफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह माला बन रही है नंबरवार। जिस स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है ना, वह है हद की बातें, तुमको मिलती है बेहद की बातें। जो तुम बाप के मददगार बनते हो वही ऊंच पद पाते हो। ऊंच पद कौन पाते हैं? जो इस समय बाबा के मददगार बनते हैं। वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है, पवित्र बनना है। क्या मदद करनी है? पवित्र बनना है। सतु प्रधान थे फिर से बनना है जरूर। बाप को याद करना है, उठते बैठते चलते बाप को याद कर सकते हो। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत रुचि से याद करना है, परंतु माया छोड़ती नहीं है। वो छोड़े तो हम बाप को पकड़े ना। माया छोड़ती नहीं है, बाबा को पकड़ते नहीं है। तो रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं, बाबा हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। बाप कहते हैं युद्ध का मैदान है ना, पांच विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से तुम भी समझते हो हम सतु प्रधान बनते हैं, अनुभव है सबको। बाप आकर समझाते हैं, भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं, खुद भगवान आकर समझाते हैं, पढ़ाते हैं, रेगुलर पढ़ाते हैं, है ना। हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं, भक्ति मार्ग वाले ये बातें जानते ही नहीं हैं। ये तो पढ़ाई है। बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे पावन? तुम पावन थे फिर बनना है। देवता पावन है ना, बच्चे जानते हैं, हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे, अभी पढ़ रहे हैं, फिर भविष्य में इस पढ़ाई का फल मिलेगा कि हम सूर्यवंशी राज्य में आएंगे। उसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना है, अच्छी रीति करना है। तरीका, सही तरीका क्या है पुरुषार्थ का? विधि से सिद्धि होती है ना, युक्ति से मुक्ति मिलती है। तरीका गलत हो गया तो फिर
प्रारब्ध वैसी नहीं मिलती जैसी मिलनी चाहिए। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना है, सारा मार्क्स के ऊपर मदार है। युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी में चले जाते हैं। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुन तीर कमान आदि दे दिए हैं भक्ति मार्ग वालों ने। जब युद्ध की बातें बाबा कर रहे हैं, माया से युद्ध की बातें, परंतु भक्ति मार्ग में जो शास्त्र बना दिए हैं उसमें फिर देवी देवताओं को, असुरों को क्या दिखा दिए, अलग अलग तरह के शस्त्र दिखा दिए हैं, तीर कमान दिखाए हैं। क्या वहाँ बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाए? ऐसी कोई बात है नहीं, देवताएं ऐसे नहीं लड़ते हैं। आगे बाणों की लड़ाई चलती थी, जब वेपन्स और नहीं बने थे तो बाणों से लड़ाई लड़ते थे। इस समय तक भी निशानियां हैं, दिखाते हैं ना देवी देवताओं के हाथ में धनुष बाण। कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते हैं, कंपटीशन भी होता है। अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है जिनसे हम यह पद पाते हैं। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? देह सहित देह के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ना है। ममत्व तोड़ना है, यह सब पुराना है। नई दुनिया गोल्डन एज्ड भारत था, ये अंदर से बाबा बेहद का वैराग दिलाते हैं। पराना पुराना है, पराया है, जाने वाला है, भस्म होने वाला है, है ना। नई दुनिया गोल्डन एज्ड भारत था, कितना नाम मशहूर था, है ना, स्वर्ग पैराडाइज। प्राचीन योग कब और किसने सिखाया यह किसको पता नहीं, जब तक खुद ना आकर समझाए। यह है नई चीज, कल्प कल्प जो होता आया है वही फिर रिपीट होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। बाप कहते हैं अब यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी अपवित्र नहीं होना है। 21 जन्म तक ये प्योरिटी की प्रारब्ध कायम रहती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी क्या होता है, सब एक रस थोड़ी पढ़ते हैं। कितना अच्छा टीचर खुद ज्ञान सागर आकर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं, फिर भी एक रस नहीं पड़ते हैं। रात दिन का फर्क है, आते हैं पढ़ने लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं वह अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे हम आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाप कहते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी, जीरो पर आ जाएंगे, है ना। जैसे दिखाते ना सांप सीढ़ी का खेल, है ना, एक ऐसा सांप होता है बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाते हैं सांप, आ जाता है तो बिल्कुल वन पर आ जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। तो ये ऐसा विकार, काम विकार, ऐसा सांप है जो हमें फिर से वहीं से जहां से शुरू हुए थे वहीं पर पहुंचा देता है। तो की कमाई चट कर देता है, फिर वह अंदर में खाता रहेगा। किसको भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो। मूल बात तो विकार के लिए ही पूछते हैं,
तुम बच्चों को यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाप कहते हैं, हम तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ। तुम हो स्टूडेंट, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान के तुम स्टूडेंट हो। किसके स्टूडेंट हैं? कौन है हमारा टीचर? खुद भगवान। ऐसी ऊंचती ऊंच पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी मुरली ना सुनी तो फिर एब्सेंट पड़ जाती है। अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर देते हैं। वह समझते हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, मुरली नहीं पड़ी तो क्या हुआ? अरे, एब्सेंट पड़ जाएगी, नापास हो जाएंगे। बाप खुद कहते हैं, रोज ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएगी ना। यद्यपि अभी रिवाइज कोर्स की मुरलियाँ चल रही हैं, वही रिपीट हो रही हैं, फिर भी 10 दिन पहले की भी मुरली दोबारा पढ़ो तो फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ नई पॉइंट मिल गई। तो इसीलिए रेगुलर ज़रूर मुरली पढ़नी है। भले रिवाइज कोर्स चल रहा है, परंतु फिर भी मुरली मिस नहीं करनी है। जितनी बार पढ़ेंगे, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं, रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएंगी। नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे? जब तक जीना है अमृत पीना है। पक्का करेंगे, गांठ बांध लेंगे आज। जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना है। एब्सेंट तो कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ वहाँ से ढूंढ कर, कोई से लेकर भी मुरली पढ़नी चाहिए। अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ वहाँ से ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, सबके पास मोबाइल में मुरली है, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है किसी के पास। तो मुरली रेगुलर पढ़नी है। अपना घमंड नहीं होना चाहिए, अरे भगवान बाप पढ़ाते हैं, उसमें तो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती हैं जो तुम्हारा व किसी का भी कपाट खुल सकता है। जादुई है ये ज्ञान, बुद्धि के कपाट खोल देती है ना, बुद्धि को दिव्य बना देती है ना, पवित्र बना देती है ना। बाबा कहते, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इसे समझने में टाइम चाहिए। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये सार है। मुरली है विस्तार, है ना, सागर है, सिंधु है, पर फिर बिंदु भी है। तो सार क्या है? अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। परंतु अभी समझाना पड़ता है। पिछाड़ी की यही अवस्था है, बाप को याद करते करते चले जाना है। याद से ही तुम पवित्र बनते हो। कितना बने हो सो तो तुम समझ सकते हो। इम्प्योर को बल जरूर कम मिलेगा ना, जो अपवित्र होगा उसको बल कम मिलेगा, धारणा कम होगी ना। मुख्य 8 रत्न ही हैं जो पास विद ऑनर हो जाते हैं। वह कुछ भी सजा नहीं खाते हैं। यह बड़ी महीन बातें हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई है,
स्वप्न में भी नहीं होगा क्या कि हम देवता बन सकते हैं। कभी किसी ने सोचा था? सोच भी नहीं सकते थे कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं वही हम बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम देवता बन सकते हैं या हम देवता थे। तो बाबा कहते स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। बाप को याद करने से ही तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। इसके सामने तो वह धंधा आदि कुछ भी काम का नहीं है, दुनियावी धंधा आदि इसके सामने कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है, फिर भी करना तो पड़ता ही है। दुनिया में रहना है तो करना तो पड़ता है, ताकि ये फैक्ट है कि काम में आने वाली नहीं है। यह कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं, हम भगवान को दे सकते हैं, सब कुछ उसका दिया हुआ है, उसको क्या देंगे हम। अरे तुम तो पद्मा पद्म पति बनते हो, देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है। मन में एक बात भी ये बात आई ना, थोड़ा सा भी संकल्प मात्र भी आया ना कि मैं देता हूँ, तो ताकत कम हो जाती है। तो सेवा का, उस देने का जो फल मिलना चाहिए वो फिर नहीं मिलता है उतना। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लेने के लिए, यही सोच कर देते हैं ना इसका एवजा भगवान फिर हमको देगा अगले जन्म में। वह देना थोड़ी हुआ, भगवान तो दाता है ना। दूसरे जन्म में कितना देते हैं ना, कितना ज्यादा देते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। भक्ति में तो फिर भी कम मिलता है, परंतु ज्ञान मार्ग में जो हम देते हैं ना, उसका तो पदम गुणा हमें मिल जाता है सतयुग के अंदर। तो ये भी ड्रामा में नोंद है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो। यहाँ बेहद मिलता है। अच्छा रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। दूसरा, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित मात्र घर में रहते, कामकाज करते, एक बाप की याद में रहना है। बस निमित मात्र हैं, बाकी अंदर से बाबा की याद में है। वरदान है प्रसन्नता की, रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। गायन और पूजन योग्य कैसे बनेंगे? जब प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाएंगे। अपनी पर्सनालिटी तो है परंतु सबको अधिकारी बनाएंगे, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं ना, सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं ना, वह सदा प्रसन्न रहते हैं। और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक, प्रसन्न चित रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की,
हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है। यह प्राप्ति किसको अधिकारी बना देती है, कोई भक्त बन जाते हैं, है ना। जो जितना लेता है, प्राप्त करता है, इंस्पायर होता है, जिसमें जितना उमंग आता है, तो कोई अधिकारी बन जाता है, वो भी इस राह पर चलने लगता है, तो कोई भक्त बन जाता है। स्लोगन है, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। सहज साधन क्या है वरदान प्राप्त करने का? दिल का स्नेह। तो बाबा कई बार कहते हैं ना, कुछ लोग दिमाग से भी बाबा को प्यार करते हैं, परंतु दिलाराम दिल वालों का है। तो दिल से स्नेह करो तो बाबा वरदानों से हमारी झोलियाँ भर देंगे ना। तो आज सारा दिन विशेष क्या पुरुषार्थ करेंगे? पुरुष बनकर रथ को चलाने का पुरुषार्थ करेंगे। आत्मा समझकर देह द्वारा कर्म कराने का पुरुषार्थ करेंगे ना। याद रहे मैं कौन हूँ, ये भी याद रहे मेरा कौन है ना। मेरा एक बाबा ना, ये शरीर भी है परंतु मुझे भगवान द्वारा दिया गया है। तो पहले था मेरा, अब ये भी तेरा है। तो इसलिए जो अंत की स्थिति है, सार स्वरूप स्थिति है कि मैं आत्मा और एक बाबा की याद, इसका अभ्यास करेंगे सारा दिन, आत्मिक स्थिति में रहने का, बाबा की याद में रहकर हर कर्म करने का, उठते बैठते चलते फिरते। याद रहे मैं कौन, मेरा कौन। अच्छा, ओम शांति। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। बाबा ही शिव बाबा एक दूसरों न
जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। आकर अपना नीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। उसके प्यार में, उसके प्यार में।